क्या हुआ? पता भाई से सुतलता है, मैं उसके बैठने जाता, उसके लाने उसके बैठ गया। है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल टाइम हो गया भाई सुबह के 7:00, टाइम बता रहे 12 मिनट। वीडियो अपलोड कर दिया, लैपटॉप को रिस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज के वीडियो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। वीडियो बहुत ज्यादा जर्क मार रहा है। सुबह सुबह पवन ने नुकसान कर दिया, कप फोड़ दिया है। कप के अवशेष कहाँ पवन? अवशेष मिले ही नहीं इसके, पता नहीं कहाँ चल गए, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा मिला। वैसे तो आज हम लोगों का प्लान है आस्क विद एके बनाने का, वो तो कंफर्म बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी एक प्लान है। अगर बनेगा तो हम बता देंगे, नहीं बनेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो सो क्यों रहा, जाना नहीं? तो तैयार नहीं होना क्या? थोड़ी देर बाद, ज्यादा खाना खा लिया। हम तीनों तैयार हो गए। वैसे तो फ्रेम में भी दो ही दिख रहे, के गया पानी की बोतल भरने के लिए। फिलहाल टाइम हो गया भाई 11:21, तो जल्दी से निकलते क्योंकि लेट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि व्हाइट व्हाइट का कॉम्बिनेशन बना के रखे। पवन को व्हाइट शर्ट दिलाना है। मेन रोड पे आता गाड़ी चलाने का मजा, तो गली में ना बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ यार गाड़ी चला जाके, क्योंकि ना वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ज्यादा गलियां आती है सकड़ी सकड़ी वाली ना गाइस, जो खंबे वाले सीन आते हैं जैसे गाड़ी पे कुछ लेके जा रहे हैं, ये बहुत डेंजर हो जाते हैं क्योंकि है ना ये जितना गाड़ी है ना उससे डबल स्पेस ये लोग रोड पे घेर लेते हैं, और जबकि रोड छोटा होना ऐसा तो और प्रॉब्लम होती है। पानी की बोतल लेके आया ना घर से? हाँ। के लेके आया होगा, पवन तो लेके नहीं आया होगा? हाँ मैं जानता हूँ पवन के आलस को। तो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा एक गांव का रास्ता पकड़ना पड़ता है। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 500 मीटर या 1 किलोमीटर होगा मुश्किल से। गाइस ये झाड़ियों के बीच में दिख रहा है ना, यहीं जाना हमको। इसका नाम है राजीव गांधी म्यूजियम। छोटा वाला गेट खोल रखा है लेकिन बड़ा वाला गेट बंद कर रखा है। लगता है कार पार्किंग बाहर ही करके जाना पड़ेगा। उधर के पता करके आया क्या? हाँ। जाके पता करके आना, वहाँ पे गेट पे शायद कोई वॉचमैन वगैरह हो गया ना, तो उनसे पूछना कि अंदर गाड़ी ले सकते क्या। पवन गया हुआ पता करने के, लेकिन उसको ये तक नहीं पता कि वहाँ पता करते वहाँ, तो उसको मैंने वहाँ भेजा है। देखो पता करके आता है। गाड़ी बाहर खड़ी करके आना पड़ा भाई, मजा नहीं आया। लेकिन अंदर है ना गाड़ी लेके आते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अंदर का सीन बहुत अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको। इधर अंदर जाने से पहले एंट्री कराना पड़ेगा, शायद कोविड वोविड का कुछ होगा, लफड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे पीछे टेम्परेचर वगैरह चेक करवा लिया, सब नॉर्मल आ गया हम तीनों का। पहले के और अभी के कंपैरिजन में यहाँ की ब्यूटी में थोड़ा सा फर्क आया भाई, पहले से अब बहुत अच्छा हो गया। ऐसे देखो पीछे का अलग ही लग रहा है। इनके नाम पे रखा गया भाई राजीव गांधी संग्रहालय, की तो लिखा हुआ राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। नहीं शायद अलाउ नहीं है, दिखा नहीं। तो उधर गया, सिटी बजना स्टार्ट हो गया। आ जा। ये इसकी मेन एंट्री गेट है, नो मास्क नो एंट्री। म्यूजियम तो सिर्फ नाम का है, मतलब इसमें ज्यादातर है ना जंगली जीवों के बारे में रखा गया। हमारे टाइगर मेन तो हमारे टाइगर क्या है, यहाँ पे किसी भी चीज को छूना अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। कितना रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रियल ही है। आंटी है ना हिरण को घास खिला रही है। पवन ये राजस्थानी आंटी है और ये अपना सवाई माधोपुर का हिरण है। राजस्थान के जो डिटेल्स है मुख्य मुख्य वो यहाँ पे देख लो, किसी को पढ़ना है तो पोस्ट करके पढ़ सकता है भाई। इधर पे एक आंटी देखो टोकरी बना रही है, मस्त वाला एकदम। आंटी ने देखो यहाँ पे एक बट्टा बना रही है और चूल्हा भी है। आंटी का मकान है, मटकी है, और आंटी ने छोटी सी खेती कर रखी है जैसे हमारे पापा ने कर रखा है ना फार्म हाउस में, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही। म्यूजियम के दूसरे कमरे में हम लोग आ गए। यहाँ पे देखो थोड़ा सा है ना खाली कर दिया, पहले यहाँ पे सामान ज्यादा था। किसी भी चीज को टच मत करना, ठीक है? टच करना अलाउ नहीं है, नहीं मत कर टच। आंटी और इसकी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। ये वाला एरिया ऐसा बना रखा है कि पूरा जंगल एकदम रियल का जंगल लग रहा है। बकरी अब तक घास खा चुकी होती पूरा। मारा राजस्थान का मारा ऊंट, पहले राजस्थान का ऊंट इस काम में आता था, लेकिन अब इससे ऊंट गाड़ी बना देते हैं। असली का अजगर है भाई, दूर हो जा। पता है सब नकली है, लेकिन टच मत कर, फाइन असली लगेगा। म्यूजियम का टूर हुआ खत्म। थोड़ी सी बहस हो गई अभी फोटोग्राफी के चक्कर में, ब्लॉगिंग के चक्कर में, मगर कोई बात नहीं, थोड़ी मोटी चलती है क्योंकि आप लोगों को दिखाना है ना। फोटो नहीं लिया अंदर एक भी, वीडियो में से निकाल लेंगे अगर फोटो चाहिए होगा तो। के का जूता खुल गया, के अपना जूता बांध रहा है। म्यूजियम घूमने के लिए कभी भी आओ, लेकिन यहाँ पे एक चीज का हमेशा याद रखो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपने डिसिप्लिन तोड़ा ना तो बहुत कुछ तोड़ने को मिलेगा। यहाँ पे इतने रूड बिहेवियर वाले है ना भाई, तुरंत आपकी झड़प हो जाएगी, 2 मिनट लगेगा। लेकिन घूमने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बस ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। इसका कम्प्लीट वाला काम हो जाए ना पूरा तो मजा आ जाए घूमने का। अभी बहुत सारी चीजें बंद कर रखी है, बहुत साल से बंद है, 2014 से बंद है। तो 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। उधर देखो डायनासोर है, उससे हम कम से कम तो 100 गज दूर है, 2 गज क्या। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे अपन नहीं जा सकते, जैसे कि वो एलिफेंट हो गया वहाँ फोटो नहीं खिंचवा सकते, वो राजीव गांधी जी हो गए वहाँ भी जा नहीं सकते, वो डायनासोर के पास भी नहीं जा सकते यार, क्योंकि वहाँ तक जाने कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उधर नहीं जा सकते अपन, इधर नहीं जा सकते, सिर्फ एक जगह जा सकते हैं,
इधर घूमना फिरना खत्म हो गया भाई। 11:30 बजे घर से निकले थे, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता लेकिन अभी फिलहाल 12:30 हो रहे हैं। प्यास लग रही बहुत तेज वाली, पानी है ना? हाँ। देना पानी, पहले पानी पी लेता हूँ। पानी गर्म नहीं हुआ अभी, चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा मेरे लिए। मैं गाड़ी साइड लगा रहा हूँ, थोड़ा सा देखना है ना इधर उधर का। पीछे 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 टायर मोड़ ले पूरा। हाँ जान दो जान दो जान दो। हाँ ऐसे जान दो। हाँ जान दो। डन लगी ना गाड़ी साइड में। अरे वो लोक हो गया, स्टीयरिंग लोक हो गया गधे। क्यों नवाब बन रहा है? आपको करना ही है ना? नहीं मत कर रहे थे, छोड़ दे। पीछे वाला कौन सा लगा रहा? ये खोला किसने था? जो पीछे कोई बैठा भी नहीं है, अपने आप से ड्राइवर सीट वाला। ये ड्राइवर सीट पे लगा दे, उल्टा लगा रहा, उल्टा लगा रहा। हाँ। के को बुला के कवर ढक देना यार, क्योंकि मैं ढकूंगा तो मैंने व्हाइट शर्ट पहनूंगा, गंदा हो जाएगा। हल्का सा थोड़ा दूर से उसको पकड़वाऊंगा तो फिर मैं गंदा हो जाऊंगा, बहुत छोटा पड़ जाता है। गाइस अब जा रहे हैं हम लोग आस्क विद एके बनाने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए आप लोगों से बाय बाय, क्योंकि थोड़ा देर अब आस्क विद एके के साथ चलेंगे, उसके बाद फिर आपको मिलेंगे वापस 1 घंटे बाद। 5:24 पे वीडियो अपलोड हो गया भाई, आस्क विद एके वाला एपिसोड 2, जाके जरूर देखना। आज मैंने वीडियो एडिट करने में लगभग 4 घंटे लिए, 5 मिनट का वीडियो 4 घंटे में एडिट किया, तब तो आप समझ सकते हो कि कितना मस्त वाला एडिट किया होगा। जरूर देखना, और कुछ अच्छा लगे कुछ खराब लगे कुछ भी लगे मतलब कमेंट कर देना। 5:26 हो गया, अभी वीडियो आउट होने में लगभग आधा घंटा है, तब तक क्रिकेट खेल लेते हैं। कल मैंने पवन की बैटिंग में क्रिकेट खत्म किया था, और पवन को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे कल बैटिंग दूंगा, तो तू आज बैटिंग लेगा कि मैं ही लूं? रबड़ की गेंद से नहीं खेलेंगे अपन, प्लास्टिक गेंद से खेलेंगे। प्लास्टिक गेंद है ना अपने पास? एक वो गेंद जो कल उधर गई थी लेके आया? गायब होगी वहां से। अरे वो उनका बच्चा खेल रहा होगा, वो पता खेल खेल के अपने गेंद से बड़ा होगा वो। 5:38 में क्रिकेट मैच बंद हो गया, क्योंकि भाई नीचे लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। पवन थोड़ी सी स्टडी करेगा, मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे कल रात से ही सिर में दर्द हो रहा है और अब थोड़ा ज्यादा होने लग गया, धीरे 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 हो रहा दिन भरी। 6:10 चाय और साथ में मेरा वाला ब्लॉग एलईडी में। ये हम लोग 2nd टाइम ब्लॉग देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम कैसा? बहुत मस्त ब्लॉग था, बहुत मस्त, मेरा पर्सनल रिव्यू बहुत मस्त ब्लॉग था। 8:02 पे खाना बना दिया भाई, मैंने तो अंडा बना दिया, अब रोटी बनेगा। आज पढ़ने वाली पवन को मस्त वाली डांट, क्योंकि देखो पूरे बिस्तर की हालत कर रखी है उसने। खाना आ गया भाई, अंडे की सब्जी और मस्त घी लगा हुआ रोटी। मस्त जगह चुन रखी खड़े होने के लिए यार, और तो कोई जगह नहीं मिली क्या? फिलहाल तो यार खाना हो गया सब कंप्लीट, बहुत टेस्टी बनाया था। मुझे लगा था कुछ गड़बड़ जाए खाना बनाने में, मगर हाँ टेस्टी बना था। 8:55 हो गया और भाई थकान बहुत भयंकर हो रखी है। आज तो दिन भर में 2 ब्लॉग बनाया है, 2 ब्लॉग मतलब एक ब्लॉग तो एडिट करके अपलोड किया जो आज के वाला था, फिर ये वाला ब्लॉग बनाया, म्यूजियम गया, मतलब थकान ही थकान हो गई। तो फिलहाल तो इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना, दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।